कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, देखिए, ऐसे तरंग स्रोत जिन्हें एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है तथा जिनके बीच निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है। यानी कि ये वे तरंग स्रोत होते हैं जो एक ही आपके मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं और जिनके बीच कलांतर समान रहता है। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यहां से कोई आपने आवाज करी, साउंड जो है वो भी तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश भी तरंगों के रूप में चलता है। तो अब यहां से आपने कोई साउंड किया तो साउंड जाहिर है यहां से होता हुआ जाएगा। अब आपने क्या किया कि यहां पे दो अलग अलग जगह खाली छोड़ दी, तो यहां पर ये जो साउंड है यहां से बनता हुआ जाएगा, फिर इसके बाद में इसी तरह से बराबर होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये मूल स्रोत क्या था, ये एक ही मूल स्रोत था और इसी से ये दोनों स्रोत बने, एक ये और एक ये। तो एक तरंग थी जिसे हमने छोड़ा, तो उसी से दो मूल हमें अलग तरंगे प्राप्त हुई। तो अब ये तरंगे जो हैं इनके बीच कलांतर जो होगा वो समान होगा। तो ऐसे तरंग स्रोत जिन्हें एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो ये दोनों कैसे तरंग स्रोत हैं, ये दोनों वो तरंग स्रोत हैं जिन्हें सिर्फ एक ही तरंग स्रोत से प्राप्त किया गया है। तो वे तरंग स्रोत जिन्हें किसी एक ही तरंग स्रोत से प्राप्त किया जाता है और जिनके बीच जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर समान रहता है। तो ये आपका एक तरंग स्रोत था जिससे हमें दो तरंग स्रोत मिले। तो ऐसे तरंग स्रोत जिन्हें एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो ये दोनों ऐसे तरंग स्रोत हैं जिन्हें एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किया गया है और साथ में क्या है कि इनके बीच जो कलांतर है वो भी समान होगा। ये यंग का प्रयोग था, यंग ने हमें इस बात को बताया था। तो कला संबद्ध स्रोत क्या है, ऐसे तरंग स्रोत जिन्हें एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है, ऐसे तरंग स्रोत जिन्हें एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर समान रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।